आज मैं लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो बिल्कुल अलग, बिना मेहनत के, मतलब बिना कद्दूकस किए हुए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, पर उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से धो लिया है दोनों साइड से, मैं इसको काट कर, और बड़े बड़े साइज़ के आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग उस साइज़ की इसको काट लीजिए। उसके बाद मैंने कुकर लिया है, उसमें थोड़ा घी डाला है और सारी गाजर को एक बार फिर से धोकर इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा इलायची पाउडर, और अगर आपके पास केसर हो तो केसर भी डाल दीजिए। और इसको 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम में इसको थोड़ा भून लें। उसके बाद इसको 4-5 सीटी आने तक इसको पका लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें कुकर की सीटी लगा दी है। यहाँ पर हमारी गाजर पककर तैयार है। देखिए मैं चाकू से चेक करते हैं। उसके बाद मैं इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लूंगी। यहाँ पर मैंने जितनी गाजर है उतना ही दूध लिया है, 2 किलो गाजर है तो 2 किलो दूध लिया है। इसके बाद चमचे की हेल्प से, सब्जी वाला चमचा लेना है, उसकी हेल्प से इसको थोड़ा दबा दबा कर और दूध खत्म होने तक इसको पकाना है। और यहाँ पर मैं इसको फुल फ्लेम में पका लूँगी अच्छे से। और इसी बीच में मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। ड्राई फ्रूट आप चाहे तो बड़े भी डालें या टुकड़े करके डाल लीजिए, आपकी इच्छा है वो। यहाँ पे देखिए दूध खत्म होने लगा है, और इसको थोड़ा और चलाते रहेंगे। हलवा किनारे छोड़ दे, उसके बाद इसमें हम चीनी मिला देंगे और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने और ड्राई होने तक इसको फिर से चला लेंगे और फुल फ्लेम में पकाएंगे, लेकिन इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। हलवा हो चुका है हमारा तैयार। अब इसमें मैं भुनाव के लिए थोड़ा घी डाल दूंगी। घी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना आपको डालना है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पका लूंगी। और यहाँ पे हमारा हलवा बनकर तैयार है गाजर का। गर्मा गर्म खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। एक बार ये भी जरूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।